सीमल जी बोलिए, कैसा लग रहा है आपको इंडिया गेट आकर के? बहुत बढ़िया। हाँ, दिल्ली में आप कई बार आए लेकिन अभी इंडिया गेट पहली बार आए? पहली बार आ रहे हैं। हाँ, तो अभी इस बार कितना गाना रिकॉर्ड किया? रिकॉर्ड वही दो तीन गाना हुआ है। रिकॉर्ड कैसा रहा? रिकॉर्डिंग तो अच्छा हुआ। बाद में कैसा ये होगा, म्यूजिक कैसे डालेंगे कैसे नहीं डालेंगे, वही तो चिंतित में है म्यूजिक का अभी। हाँ, वो तो जैसा फिर आप कहेंगे वैसा ही होगा म्यूजिक, उसमें तो अच्छे आप वो अच्छे हैं, जो म्यूजिक कंपोजर हैं अच्छे हैं, अच्छे आपको भेजेंगे वो जी कि क्या कर रहे हैं, फिर आप वहाँ से ओके करेंगे तब। और इस बीच में फिर आप आओगे ही दोबारा, है ना? जी जी जी। और अभी तो वीडियो भी बन रहे हैं जो हमने पहले हमने रिकॉर्ड किए सॉन्ग्स, है ना, उस पर भी हमने ये गाना अपने किया, वो गोलगप्पा जुआ, तो बहुत मुझे मज़ेदार लगा गाना। ठीक है, तो वो गाना कैसे आपके आया ख्याल में, कैसे आ गया? और देखो, हम लोग का जब संथाली समाज में मेला वाला लगता है तो देख देख के मतलब ख्याल आता है, कभी कभी हम गाना उना सब लिखते रहते हैं ना, तो ख्याल आ जाता है, तो उसी के पर्पस पर मतलब याद आ गया कि चलो गोलगप्पा नाम से एक ठो गाना हो जाए, लिखा जाए, बस वही चीज़। अच्छा जी, तो फिर वो मना कर लड़की, लेकिन मना कर रही है उसमें जो हीरोइन है जी, मना कर रही है वो, मुझे नहीं खाना है, फिर वो मानती है किस बात पर? बाद में तो मानेगी ही। अच्छा, क्योंकि एक्सेप्ट उसको, अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मानना जरूरी है, मानना है, मतलब रूठना भी है लेकिन फिर मान भी जाना है, मानना और मानना जरूरी है। अच्छा, बस बस, चलिए ठीक है। तो अभी आपने बीच में बहुत ये गाना वाना छोड़ रखा था जी, तो फिर अभी आपका दोबारा कैसे मन बदला आने के लिए कि नहीं अब मुझे फिर से ये संगीत शुरू करना है, वापस यहाँ पर आना है? कि हम तो गुमनाम हो चुके थे, मन हट गया था आपका? मन हट गया फिर भी, और हमारे तो दोस्त, मन क्यों हटा वो बताना चाहेंगे आप? देखो, हमारा तो एक तो टीम था, टीम चलते 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 बीच में रुक गए, बहुत ऐसा मतलब हमारे मतलब बीच में बातें ऐसी हैं जो भी आप नहीं बताना चाहते। हाँ, फिर इतना आ गया तो हम क्या करें, अकेलेपन रह गए, तो इसीलिए थोड़ा सा गुमनाम हो गया, और गुमनाम होने के कारण ही सब चीज़ ही दब गया है, बताइए और क्या बोलो, सब छोड़ छाड़ के चले गया, बीबी तक भी नहीं रहा, क्या बोलेगा इतना छोटा मेरा बच्चा, इतना छोटा था, फिर मतलब उसको उसी का ये में हम लटक गए, तो मतलब उसको बढ़ाने का भी मतलब हमको बहुत चिंतित में रह गए हैं, पर क्या बोले, बच्चे का बच्चे को पालना आसान नहीं है। क्योंकि बीइंग अ मदर, मतलब मैं एक माँ हूँ इसलिए मैं जानती हूँ बच्चे को पालना आसान नहीं है, और एक फादर होते हुए आपने अपने बच्चे को पाला, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझ सकती हूँ कि पूरा 24 आवर्स देना पड़ता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बच्चा ही सबसे प्रायोरिटी आपका बन जाता है, उसी के अनुसार आपको खाना है, उठना है, जागना है, सोचना है, दोबारा काम भी उसी के अनुसार करना है। दोबारा इसलिए आए कि मतलब हमारे में रहते थे पत्रकार भैरव जी, सहारा पत्रकार जी, जी जी जी, भैरव महाराज जी, पीस मेकर के जो ब्यूरो चीफ हैं, प्लस हमारे जो गांव के प्रधान कहा जाता है, और इसके बाद जब आए दिल्ली में हमारे बड़े साहब हैं पीस मेकर के सहारे, ये पीस मेकर के पत्रकार हैं, उन्हीं के साथ मिले तो आश्वासन दिया कि चले फिर से दोबारा आप कोशिश कीजिए, फिर वही जहाँ से आप स्टार्ट किए थे वहीं तक आप पहुँचेंगे, वही सोच के हमारे बड़े साहब ने संतोष कुमार सरज जी ने जी, हमको हेल्प किया, बहुत ही हेल्प किया, बहुत। अच्छा, जो पीस मेकर मैगजीन के एडिटर जी जी जी, पीस मेकर में जो पत्रकार हैं जी जी जी, वो मैगजीन उनकी है जी जी, वो एडिटर हैं उसकी, मैगजीन उन्हीं की जी जी, उन्हीं के बदौलत आज दिल्ली आए हैं सब, मतलब दिल्ली घूम रहे हैं, बस संतोष जी के बदौलत ही घूम रहे हैं, और क्या बोले बताइए, संतोष जी का बहुत बड़ा देन हमको दिया, हेल्प करते हैं जी जी जी, ये उनकी अच्छी बात है, वो सबको हेल्प करते हैं बिना किसी निस्वार्थ भाव से करते हैं, नहीं नहीं बात, और नहीं आपको फिर ये टैलेंट भी तो होना चाहिए ना, कोई अगर आपकी मदद कर रहा है तो उस इंसान के अंदर टैलेंट भी होना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट है वो बात होगी, तभी उन्होंने देखा और आगे बढ़ कर के उन्होंने आपको किया, और आपके अंदर वो जज्बा है कि मुझे करना है जी, और आप कर भी रहे हैं, आपके गाने मैंने सुने, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबकि मुझे संथाली भाषा नहीं आती है, अच्छा मैं आपसे थोड़े थोड़े शब्द सीख रही हूँ, अड़ी अड़ी सराहाओ जोहार अड़ी सराहाओ, है ना, इसी तरह के थोड़े थोड़े शब्द सीख रही हूँ, तो मुझे तो आपके नहीं आता है फिर भी इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि जो जिनको संथाली आता है जो, और जो फैन आपके पहले से रहे हैं
उन लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा। अभी एक गाना हमने वीडियो में अपना रिलीज किया है, यूट्यूब पर ऐसे ही रिलीज कर दिया है, कोई उस पर वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है, तो भी उसका इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो आगे हमको लगता है कि और भी अच्छा रिस्पांस आएगा। आप बहुत अच्छा, और सबसे मुझे आपके गानों में जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि आपके गाने आजकल के गानों के जैसे नहीं हैं, लोग कुछ भी गा रहे हैं, कुछ भी, बस ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहा है, ज़ोर ज़ोर से वो नहीं, आपके गाने बहुत एकदम दिल के करीब है, सूदिंग है, दिल को मतलब राहत देते हैं, बहुत अच्छे हैं, नेचर से प्रेरित हैं, नेचर को लेकर के आप गाना गा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी कल जो गाना हमने किया, आपने मतलब रिकॉर्ड किया, वो क्या, आम दो कुनमी चांदो, हाँ आम दो कुनमी चांदो, कितना अच्छा है, आम दो चांदनी चांद, कैसे है जरा सा, नहीं तो आम दो कुनमी चांदो, आम दो कुनमी चांदो, ला 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 अम्दो कुनमी चांदो ला अम्दो कुनमी चांदो, अम्दो कुनमी चांदो चिकातिन गाते इनिलो, मुलुज मुलुज मिलांदा सेरे माई पिल सवाम दो, मुलुज मुलुज मिलांदा सेरे माई पिल सवाम दो, अम्दो कुनमी चांदो, ला 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 अम्दो कुनमी चांदो चिकातिन गाते निनिदो, बस ऐसे ही गाना है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब आपके जो भी गाने मुझे तो सब अच्छे लग रहे हैं, चाहे स्लो हैं या फास्ट हैं, सब अच्छे लग रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कोई उसका कुछ भी उसमें वल्गैरिटी नहीं है जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो आजकल बस गाने हैं मतलब उसका कुछ और ही दूरथी गाने हैं, उसका कह कुछ और रहे हैं, उसका मतलब कुछ और है, मतलब में भी कुछ गलत ही मतलब है जी, तो ये गाने इतने अच्छे हैं कि अगर बच्चे भी गाएंगे तो अच्छा लगेगा, कितने सारे गाने हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे थे कितने सारे गाने हमको गाने से मना करते थे, ये नहीं गाना है, ये नहीं गाना है, क्योंकि उसका मतलब हमें उस समय समझ में नहीं आता था, लेकिन वो द्विअर्थी गाने होते थे, डबल मीनिंग वाले गाने थे, तो हमारे घर में गुस्सा करते थे ये गाना क्यों गा रहे हैं, जी जी जी, और हम छोटे थे, हम सोचते थे क्यों गाने के लिए मना कर रहे हैं, यार एक्चुअली मतलब गाना है जो है ना मेल वॉइस का गाना है, लड़का ही मतलब गाना गा रहे हैं, किसी किसी कंपेयर कर रहे थे लेकिन कंपेयर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपकी जो टीम जो बिखर गई थी, क्या वो आप लोगों आपको फिर से अप्रोच कर रहे हैं, वो लोग आपको कह रहे हैं कि अभी वो सब अलग अलग चले गए हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, अपना अपना बना लिया, अपना सब काम कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं, हमको छोड़ के तो चले गए, बस हाँ, अपना अपना तो फिर देखना ही पड़ेगा, और क्या बोले, तो बस वही चीज है, जो था पहले ग्रुप अभी पिछड़ गए हैं, सब टूट फूट गया, स्टूडेंट वगैरह सब लिया था, सब चीज़ ख़त्म हो चुका है, अभी कुछ नहीं है, बस वही चीज़ है, और ये अभी उस समय का एक बहुत हिट गाना था जो कि मैंने देखा बहुत लोगों ने गाया है, बहुत लोगों ने, एगो चंपा वाला, एगो चंपा वाला, हाँ हाँ उस दौर में तो बहुत ही हिट हो चुका था मेरा गाना, जी जी जी, बहुत, तो एक क्या अभी हम सुन सकते हैं गाना, एकदम सो सो जी सुनाइए, एगो चंपा बाहा बुरुधारे रेम बाहा कन सोते मांदोड़ा, एगो चंपा बाहा बुरुधारे रेम बाहा कन सोते मांदोड़ा, एगो नीचल झरना बुरु सोंघारे मिलिंगिनी कना अड़िम जीड़ा, एगो नीचल झरना बुरु सुंघर मिलिंगी निकाना अड़िम जीड़ा, बस यही वाला गाना जी जी,
तो बहुत उस टाइम का उस दौर का सुपरहिट गाना था। सर्वप्रथम मेरा ही कैसेट, कैसेट के दौर में संथाली में कोई कैसेट नहीं निकला था, सिर्फ मेरे ही कैसेट निकला था बस। अच्छा, और कोई हमारे समाज की ओर से ना और कोई से मतलब नहीं, सर्वप्रथम मेरा कैसेट निकले हैं। और आप तो फीमेल वॉइस में भी, फीमेल वॉइस में गाते थे लेकिन अब उस टाइम तो कोई फीमेल नहीं, 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 नहीं फीमेल वगैरह कोई नहीं थे, कोई निकलते थे भी नहीं, और क्या बोलें, प्लस लड़का या लड़की भी मैं कोई गाने की इच्छा नहीं रखते थे, प्लस हम ही वो चीज़ को सबको दिखाए रास्ता, सबको साथ में लिए, सब चीज़ हम ही सब किए, तब जाके बहुत आदमी, अभी तो गांव गांव में सिंगर हैं, बहुत कुछ है, बहुत तरह तरह के सिंगर बन गए, लड़का लड़की फीमेल सिंगर्स भी अब आ रही हैं आगे ने? जी आ गए, अभी तो यहाँ एक सिंगर नहीं, यहाँ तो मतलब महिमा है जो अभी राष्ट्रपति बने हुए हैं, क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू। हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी। जी जी जी, बस बस बहुत आदमी इतना एडवांस हो चुके हैं अभी, महिला सा है पर क्या बोलेंगे, अभी लड़का पीछे हो रहे हैं। अब तो महिला आगे बढ़ी है। हाँ, आगे नारी शक्तिकरण एकदम अपने चरम पर हो रहा है ना। हाँ, बस वही चीज़ है। और बोलिए क्या और सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, आपका वो गोलगप्पा, गोलगप्पे वाला गाना वो तो ठीक 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 जी ठीक है, सुना दे रहा हूँ अभी, फिर गोलगप्पा भी आपको खिलाएंगे हम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से गा रहे हैं जी, सुनिए। गोल गप्पम जो माँ बांगा, चीनी लड्डूम जो माँ बांगा, हे गोल गप्पम जो माँ बांगा, चीनी लड्डूम जो माँ बांगा, चेट आदम जो माँ लय में ए गोदु लड़ती, गोल गप्पा बांगत चीनी लड्डू बांगत, गोल गप्पा बांगत चीनी लड्डू बांगत, बस ये चीज़ें। अच्छा, ये जैसे कुछ कुछ आपने मुझे बता दिए ना अर्थ संथाली के हिंदी में, तो सुनने में ना और मजा आ रहा है मुझे गाने, क्योंकि अरे मुझे पता है इसका मतलब क्या है। गोलगप्पा खाएगी या नहीं, नहीं बोल, मतलब लड़ी बोल रही है नहीं 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 खाएंगे, रूठी हुई है। हाँ लड्डू खाएगी, और भी बोलते नहीं, रूठी हुई है, रूठी हुई है, फिर बाद में मान जाते, बाद में गाना खत्म होते होते मान जाते। हाँ गाना खत्म होते हैं सरंग्स के बावजूद, वो खत्म, गाना खत्म हो जाते हैं, इसके बाद मान भी जाती है। ये मैं देखती हूँ नेचर के, प्रकृति के ज्यादा करीब है, नेचर से इंस्पायर हैं आपके गाने, है ना। जी जी, देखिए झारखंड में आइए बैठ जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा है कि हमारे समाज की ओर से जी, बहुत पहले तो क्या बोले, बहुत लज्जित होते थे हमारे महिलाएं। अच्छा, लज्जित मतलब शर्म आती, शर्म आती थी। और इसके बाद बाजार भी जाती है ना, होटल में चाय तक नहीं पीती है, लड्डू वगैरह तो दूर की बात है, चाय मतलब कहीं खड़े होके खाएंगे नहीं वो। नहीं खाते अभी भी, समाज ऐसे ही है। हाँ कुछ कुछ जगह ऐसे ही है अभी भी, ये इस बात को शर्म शर्म मानते हैं कि महिला जो है घर से बाहर जाए और खाए पिए बाहर। जी वैसी ही बात है, लेकिन आज तक बहुत, अभी तो देखिए मतलब हो गया है, बहुत एडवांस हो चुकी है, और अभी तो सब कोई खा रहे हैं पी रहे हैं, क्या बोलेंगे। और तो अभी आप इसको, ये जो बदलाव हुआ है इसको अच्छा मानते हैं जो महिलाएं अब आगे? बहुत अच्छा, बहुत है, बस इसी को अच्छा, अच्छा मानते हैं। जी 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 जी, ताकि अपने आप पर मतलब महसूस हो कि मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बस वही चीज, कहीं भी जा सकते हो अकेली। हाँ मतलब महिला और पुरुष में कोई अंतर अंतर ही नहीं, मतलब उनकी अपॉर्चुनिटीज में अंतर नहीं होना चाहिए, बाकी जो है प्रकृति रूप से अंतर है वो तो है ही, प्रकृति ने जो दिया, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो उनको अवसर मिलता है उसमें कमी नहीं, दोनों को बराबर अवसर मिलना चाहिए। साथ देने की एजुकेशन में भी है, महिलाएं जा रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं लड़कियां। जी 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 जी, बहुत आप इसको अच्छा मानते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अच्छा कर रही हैं। अभी साथ देना नहीं पड़ते है, आप अकेलेपन ही सब कुछ कर लेती हो। हाँ बस यही चीज है। गाना सुनना चाहेंगे तो बोलिए। हाँ सुनाई ना, जो आप अभी तक आपने जो गाने गाए हैं, हाँ रिकॉर्ड हुए हैं नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन जो अभी तक
आपने गाने गाए हैं, जो गाना आपको सबसे अच्छा लगता है वो बताइए। अच्छा। मेरा पसंद की गाना है तो ट्रेडिशनल मेरा पसंद की गाना था एक तो। अच्छा, और बताइए जो आपको बहुत पसंद है गाना अभी तक के। ठीक ठीक वो जी, ये गाना का बोल है, औरन बोरन बिरमा ताला रे, चारों तरफ पहाड़े के बीच में। अच्छा। चारों तरफ पहाड़ों के बीच में हम है, जैसा यहाँ पर जैसा लोकेशन बैठे हुए हैं इधर में, कितना अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, उसी तरह हमको भी वहाँ पर यह गाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। सुना रहे हैं आपको जी। ओ रन बन बीरी माताला रे गुरु संघारे, ओ रन बन बीरी माताला रे गुरु संघारे, गाते ने तिरियो ही पीड़ी पीड़ साढ़े दो सागी रे, गाते ने तिरियो ही पीड़ी पीड़ साढ़े दो सागी रे, ओ रन बन बीरी माताला रे बुरु संघारे, गाते ने तिरियो ही पीड़ी पीड़ साढ़े दो सागी रे, गाते ने तिरियो ही पीड़ी पीड़ साढ़े दो सागी रे। बहुत अच्छा हमको बहुत अच्छा लगता है गाना, नहीं सुनने में भी बहुत अच्छा था, सूदिंग है जी, म्यूजिक जी, भी इसका मतलब म्यूजिक नहीं धुन बहुत इसका अच्छी है जी। और आपका एक गाना है मछली की शादी जिसमें आप करवा रहे हैं तो उस पर तो अभी एनिमेशन बन रहा है तो देखते हैं ना उसका, वो भी गाएंगे अभी आप हाँ दे देते हैं सुना दीजिए थोड़ा, क्योंकि जो आपके फैंस वगैरह जो भी देखेंगे इस वीडियो को उनको पता चल जाएगा ना कि कौन कौन से गाने अभी और आपके आने वाले हैं। ठीक है ठीक। तो ये एक गाना है जिस पर सिमलदा ने मछली की शादी करवा दी है, और क्या क्या हो रहा है उसमें देखे, शादी बाप का माँ सब मछली में हाँ, ही आते हैं हाँ, सब सांप में मछली में सब में आते हैं, सब को इसका माँ है माँ मौसी है तो उस पर हम लोग एनिमेशन बना रहे हैं, एनिमेटेड रहेगा वो सॉन्ग, देखिएगा आपको अच्छा लगेगा, और बहुत जल्दी हम रिलीज करने वाले हैं उसे जी। इसी मत सुनाए जी। तोड़े गोड़ पुखरी रे डंगवा में नाय कतला हकु, तोड़े गोड़ पुखरी रे डंगवा में नाय कतला हकु, रोटे रीटी पीटी पेड़ाए से टेरके देखो, आहर तला कतला हकु खद बादा कान, आहर तला कतला हकु खद बादा कान, बपला को ने डाकेन दिन हो सटेरेन, रोटे टो रोटो रोय सेरेन जों कान, बुआड़ को इंगाते डिकुचल हकु कुमंगते, मगरी हकु मम्मी तेरे रुपे फिराओ के, मगरी हकु मम्मी तेरे रुपे फिराओ के, तोड़े गुड़ पुकुरी रे डंगवो बिनाई कतला हकु, तोड़े गुड़ पुकुरी रे डंगवो बिनाई कतला हकु, रोटे रीटी पीटी पेड़ाई से टेरे के देखो, आहर तला कतला हकु खद बादा कान, आहर तला कतला हकु खद बादा कान, आहर तला कतला हकु खद बादा कान, ऐसे ही है। और बहुत बहुत गानों के वर्ड्स तो याद नहीं रहते, लेकिन म्यूजिक जो आपने गाया है वो पूरा मुझे याद रहता है, बीच बीच के कुछ शब्द आते हैं कुछ जाते हैं, ये तो ऐसा गा लिए हैं लेकिन स्टूडियो में बहुत अच्छा लगेंगे लगा। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि मुझे भी बहुत जल्दी संथाली आ जाएगी ठीक है चलिए ठीक है, तो ये था हमारा सिमलदा जी के साथ में, सिमलदा के साथ में आज एक शाम इंडिया गेट के परिसर में, और मुझे लग रहा है कि आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा इनसे बातचीत करके। आपको कुछ और जानना हो, कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न विशेष दे सकते हैं, जो भी आपको कहना है, आपके राय विचार सजेशंस जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और बताइए कैसा लगा ये इंटरव्यू। और सिमलदा को एक बात कहना चाहती हूँ, अड़ी अड़ी सर हाँ।